हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक एग्जाम ड्रॉपर यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के द्वारा रिसेंटली 15 तारीख को जो सहायक मोटर वाहन निरीक्षक की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई गई थी, उसी का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। उसका कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे से काफ़ी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे, तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसा कि पता हो, रिसेंटली जनवरी के अंदर ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट्स के लिए जो है ये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है, RTO का एग्जाम, और उसकी जो कट ऑफ है ऑफिशियल कट ऑफ, वो पहले आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार की कैटेगरी वाइज, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हो आप, ये ऑफिशियल कट ऑफ है पिछले टाइम की, जो 30/6/2017 को ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, एक बार थोड़ा सा इस पर नज़र डालेंगे हम। जो ओपन कैटेगरी है, इसके अंदर जनरल की है 24 कट ऑफ थी, फीमेल के लिए एक थी, और स्पोर्ट्स यहाँ पे 13 थी, एक्स के लिए एक थी। उसके बाद में देखिए, जो एससी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जनरल के लिए यहाँ पे 24 थी, फीमेल के लिए 10, स्पोर्ट्स के लिए 12 और एक्स के लिए 4 थी। जब एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 19 रही थी और फीमेल के लिए 1 रही थी, एक्स के लिए यहाँ पे नहीं थी इसमें वैकेंसी। उसके बाद में देखिए, डीटी की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 24, उसके बाद में यहाँ फीमेल के लिए 7 और एक्स के लिए 16, ठीक है। एसबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 24 रही थी, फीमेल के लिए 9, और यहाँ पे एनटी की बात करते हैं तो 24, फीमेल के लिए 12 और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 रही थी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ये सारी जो है कैटेगरी वाइज, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 24 थी जनरल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 15 थी और स्पोर्ट्स के लिए 18 थी, ठीक है। उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 7 थी। तो ये तो कुछ यहाँ पे जो पिछली कट ऑफ थी प्रीलिम्स की, उसकी हमने बात की है। उसके अलावा मेंस की कट ऑफ अगर आप देखना चाहें तो ये मेंस की कट ऑफ भी यहाँ पर जो है, जो AMVI की जो है, ये इसकी प्रीवियस ईयर का जो 2017 का एग्ज़ाम था उसकी कट ऑफ है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जनरल के लिए 188 थी इसकी कट ऑफ, फीमेल की इसकी 120 थी, एक्सपोर्ट्स की 142, एक्स के लिए 48, ठीक है। इस तरीके से ये कट ऑफ रही थी यहाँ पे इसकी। अब देखिए, ये एससी की है, फिर उसके बाद में ये जनरल की हो गई वापस से, इसमें एससी के अंदर फीमेल की ये हो गई, तो ठीक है। इनकी कैटेगरी जो है, जो एससी एसटी की कम जाती है यहाँ पे कट ऑफ, ठीक है, महिलाओं की कम जाती है। उसके बाद में देखिए, ये यहाँ पे कट ऑफ सभी कैटेगरीज की दे रखी है वैसे, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। अभी आते हैं यहाँ पे जो इसका प्रीलिम्स हुआ है, इसके बाद में आपको पता है इसका जो मेंस होने वाला है फिजिकल होगा। फिजिकल की जो आपको जो मतलब कि रिक्वायरमेंट है वो पता ही है कि क्या क्या फिजिकल में जो है चाहिए होता है, ये मेल्स कैंडिडेट्स के लिए, ये फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, वेट और हाइट, ठीक है। इसमें जो मतलब कि चेस्ट का जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता है फीमेल्स के लिए, तो ये तो हो गया आपका इसके लिए फिजिकल की बात। अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स की अगर बात करते हैं, जो प्री एग्ज़ाम है उसके कट ऑफ की, तो देखिए यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की हम अलग अलग बात करेंगे यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए ओपन की, ठीक है, तो 32-34 यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। फीमेल के लिए यहाँ पर 22-24, ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 30-32, और यहाँ पे महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 20-22 हो सकता है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो एससी का है 26-28 हो सकता है, और यहाँ जो फीमेल्स का है 18-20 हो सकता है। उसके बाद एसटी की अगर बात करते हैं 24-30 यहाँ पे हो सकता है आपका, और 14-16 यहाँ पर इसके फीमेल्स के लिए हो सकता है। एसईबीसी की बात करते हैं तो 28-30 यहाँ इसका हो सकता है, और 20-22 जो है यहाँ पे इसका फीमेल्स का हो सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।